आई नो कि आप में से काफी सारे बंदे इंस्टाग्राम तो जरूर यूज करते होंगे एंड बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टाग्राम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इंस्टाग्राम पे इम्प्रूव करने में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक शर्मा एंड यू वाचिंग टेक स्प्लिट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना एक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्रिक नंबर वन, अगर हम किसी भी बंदे को अपनी रील शेयर करना चाहते हैं तो यूजुअली हम दो ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे रील शेयर करते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन तो है टैप एंड फोल्ड करके, जो फोर कॉन्टैक्ट आते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू हम शेयर कर सकें। एंड दूसरा, सेंड बटन पे क्लिक करके हम पर्टिकुलर एक एक बंदे को अपनी रील शेयर करें। बट अब आप एक ही क्लिक में अपने सारे दोस्तों को रील शेयर कर सकते हो एक ही बार में, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेंड बटन पे आपको क्लिक करना है एंड सर्च बार में तो राइट साइड में आपको आइकन दिख रहा है, उस पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पे जाके आपको ऊपर की साइड नेम सेलेक्ट कर लेना है, नेम टाइप कर देना कोई भी रैंडमली। एंड उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है, जिन भी बंदे को आप रील शेयर करना चाहते हो। एंड ऊपर की साइड आपको राइट क्लिक दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड अब आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा एंड आप एक ही टाइम पे हर बंदे को रील शेयर कर सकते हो इस ग्रुप के थ्रू। ट्रिक नंबर टू, मान लो आपकी किसी भी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है एंड आप उसकी स्टोरी सीन करना चाहते हो एंड आप नहीं चाहते कि आपका सीन उसको शो हो, तो इसके लिए काफी ज्यादा कमाल की एंड सॉर्टेड ट्रिक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी बंदे की आपको स्टोरी सीन करनी है उससे अगली स्टोरी पे आपको क्लिक करना है एंड होल्ड करके आपको राइट स्वाइप करना है एंड इसके थ्रू आप प्रीवियस स्टोरी उस बंदे की देख पाओगे, उसने क्या अपलोड किया है स्टोरी पर, एंड आपका सीन भी उस स्टोरी पर शो नहीं होगा जिस स्टोरी को आपने देखा है। ट्रिक नंबर तीन, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हो एंड आप बिगनर हो तो आपको डेफिनेटली ये वाली चीज़ नहीं पता होगी एंड जिसकी वजह से आपको बूस्ट नहीं मिल रहा इंस्टाग्राम पर, ग्रोथ नहीं मिल रही। तो आपको करना क्या है, जब भी आप कोई भी रील्स अपनी इंस्टाग्राम पर आईडी पर अपलोड करते हो तो आपको कैप्शन वैप्शन टाइटल वाइटल सब डालने के बाद नीचे एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है एंड इसमें आपको चले जाना है एंड उसके बाद आपको नीचे जाके इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको आपको इनेबल करके रखना है। एंड अब आपको वो रील शेयर करनी है एंड जिससे आपकी रील की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी में वो रील पब्लिश होगी, जिससे आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी एंड ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा मिलेगा। ट्रिक नंबर फोर, मान लो आपकी किसी भी फ्रेंड से इंस्टाग्राम पर लड़ाई हो जाती है एंड आप उसको मैसेज पढ़ना चाहते हो बट आप नहीं चाहते कि आपका सीन वहाँ पर शो हो, तो इसके लिए काफ़ी एक शॉर्टेड ट्रिक है। उसके लिए आपको करना क्या है, उस बंदे की प्रोफाइल पर आपको चले जाना है एंड ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके उस अकाउंट को आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है एंड अब आप उसके मैसेज पढ़ सकते हो एंड आपका सीन भी वापस शो नहीं होगा। और हाँ, मैसेज पढ़ने के बाद उस अकाउंट को आप अनरिस्ट्रिक्ट भी कर देना, वरना आपकी लड़ाई और भी बढ़ सकती है, तो ध्यान से। ट्रिक नंबर फाइव, ये सारी स्टोरी देख रहे हो, अगर आप भी ऐसे अमेजिंग फॉन्ट्स अपनी स्टोरी पर लगाना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पर जाके आपको सर्च करने ये सारे नेम एंड इससे आप अलग अलग फॉन्ट्स लगा सकते हो अपनी स्टोरी पे एंड इन फॉन्ट्स को यूज करके आपकी स्टोरी डेफिनेटली काफी ज्यादा यूनिक लगेगी एंड काफी ज्यादा अच्छी भी लगेगी, तो डेफिनेटली इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। ट्रिक नंबर सिक्स, अगर आपको कोई भी अकाउंट या फिर कोई भी चीज सर्च करनी है तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाके बार बार कीबोर्ड लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सर्च बार पे लॉन्ग प्रेस करो एंड आपका कीबोर्ड एंड सर्च बार दोनों एक साथ खुल जाएंगे, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा एंड आप और भी रील कंज्यूम कर पाओगे। बस ये थी आज की कुछ ट्रिक्स एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो एंड लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।